हेलो गाइज, नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा इंस्टाग्राम का पुराना अकाउंट कैसे खोलें। दोस्तों, अगर आप भी अपने पुराने इंस्टाग्राम अकाउंट को रिकवर करना चाहते हो तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। मैं आपको एक ऐसी सिंपल ट्रिक बताऊंगा जहां से आपका इंस्टाग्राम का जो पुराना अकाउंट है बहुत ही आसानी से यहाँ पर लॉग इन हो पाएगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। चलिए बिना टाइम गवाएं वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैं नया अकाउंट बना रहा हूँ और काफ़ी लोग यहाँ पे नया अकाउंट बना रखे हैं। जैसे कि उनका जो पुराना अकाउंट है वहाँ पे गुम हो जाता है, पासवर्ड भूल जाते हैं, नंबर खो जाता है, सारा कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाते हैं, ओपन नहीं कर पाते हैं, तो अपना एक नया अकाउंट बना लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को एक पुराना अकाउंट अपने आपके सामने लाइव प्रूफ अपने पुराने अकाउंट को लॉगिन करके दिखाऊंगा। जो यहाँ पे मैं सर्च कर लिया हूँ अपना एक पुराना अकाउंट, जैसे कि मैं यहाँ पे आप देख पा रहे हो अभी 53 फॉलोअर्स हैं और काफ़ी पुराना अकाउंट है। यहाँ पर मैं आपको एक पोस्ट करके दिखाता हूँ, जैसे कि पोस्ट पहले से किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कब का पोस्ट है। जैसे यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 7 जनवरी 2021। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2021 का ये पोस्ट है और अभी आपका 2024 चल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 साल का पुराना अकाउंट है। आप भी 2 से 3 साल पुराने अकाउंट को रिकवर कर सकते हो बिल्कुल 1 मिनट में, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको ध्यान से देखना है। तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम का जो ये यूजर नेम है आपको यहाँ से याद कर लेना है या फिर इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करना है, कॉपी प्रोफाइल यूआरएल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हो गाइस, फिर आपको यहाँ पे सर्च बार में आपको वही पेस्ट कर देना है, उसके बाद सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करते हो फिर आपके सामने वो आईडी यहाँ पर आपके सामने आ जाती है। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर, तो गाइस यहाँ पर यूजर नेम को छोड़ के आपको सभी को यहाँ से कट कर देना है। ये जो आपको देखने को मिला है इसको कट कर देना है। कट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद इस तरह से रिमूव कर देना है। रिमूव करने का जो आपका यूजर नेम है बस आपको वही रखना है यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो गाइस उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही आपका यूजर नेम ही देखने को मिलेगा उसके बाद आपका आईडी भी यहाँ पे आने आ जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके अपना ये इसको कॉपी कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ आपको करना क्या है, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे दूसरा अकाउंट लॉगिन कर रखा हूँ। तो आपको क्या करना है, अपने प्रोफाइल पर यहाँ पे प्रेस करके रखना है यहाँ पर। उसके बाद आपके सामने मिलता है ऐड इंस्टाग्राम अकाउंट, आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कर दो आपको लॉगिन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कर दो फिर आपको यहाँ पे सारी आईडी देखने को मिल जाती हैं जो आपने लॉगिन किया था। अब आपको यहाँ पे मिलता है स्विच अकाउंट, नीचे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको करना क्या है गाइस, आपको यहाँ पे मिलता है लोग गेट हेल्प लॉगिन, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। छोटे में आपको देखने को मिलता है, स्मॉल में बाकी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है गेट हेल्प लॉगिन पे। जैसे ही क्लिक करते हो फाइंड योर अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब आपको क्या करना है, वही यूजर नेम आपको यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे कि गाइस यहाँ पर मिलता है यूजर नेम, ईमेल और फ़ोन। आपका अगर ईमेल फ़ोन नंबर जो भी आपका है यहाँ पे आप भूल गए हो कौन सा ईमेल कौन सा फ़ोन लगाए हो, तो आपको क्या करना है, यूजर नेम यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है जो आपने अभी कॉपी किया। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हो फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जो भी आपने यहाँ पे अटैच कर रखा है, जैसे जीमेल या फिर फ़ोन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, सेंड एन एस एम एस का ऑप्शन मिलेगा या फिर ईमेल का ऑप्शन भी मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, सेंड एन एस एम एस का ऑप्शन जो मिलेगा आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हो फिर आपके सामने वहाँ पर आपको देखने को मिलता है सेंट, यहाँ पर आपको नंबर देखने को मिल जाएगा, जो लास्ट का जो डिजिट होता है लास्ट कोड वही आपको नंबर देखने को मिल जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा ही नंबर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ओटीपी भी मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मैसेज में आपको ओटीपी आ जाएगा। तो आपको पहले ओके कर देना है, ओके करने के बाद आपको यहाँ पे बैक चले आना है, आपको मैसेज में आ जाना है। यहाँ पे मैसेज का जो ऑप्शन है, जो ऐप है, आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करते हो गाइज आपको यहाँ पे एक ओटीपी आया होगा, जैसे कि एक लिंक आया होगा, यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, जो आपको जस्ट नो पर मिलेगा, आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो फिर आपको यहाँ पे एक लिंक भी देखने को मिलेगा गाइज, आपको लिंक पर टैप करना है। जैसे ही लिंक पर टैप करते हो फिर आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम एप्लीकेशन आ जाता है। तो आपको इंस्टाग्राम को यहाँ पर सर्च कर लेना है, जैसे इंस्टाग्राम को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर इंस्टाग्राम पर सेलेक्ट करते हो आपको न्यू पासवर्ड देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप न्यू पासवर्ड लगा सकते हो बहुत ही आसानी। तो मैं यहाँ पे न्यू पासवर्ड आपके सामने लगा लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, न्यू पासवर्ड देखने को मिलता है और न्यू पासवर्ड अगेन करके आपको मिलेगा। तो आपको सबसे पहले न्यू पासवर्ड लगाना है क्योंकि आपने पासवर्ड भूल गया था, जो भी आपके इंस्टाग्राम का पासवर्ड था, काफ़ी दिनों का अकाउंट था, 3 साल का। तो यहाँ पर आपको एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका पासवर्ड जो भी आपको अच्छा लगे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बना लेना है। तो गाइस जैसे ही आपका पासवर्ड यहाँ पे दोनों जगह कंफर्म हो जाता है, एक ही पासवर्ड आपको दोनों जगह पे डालना है, उसके बाद आपको क्या करना है, रिसीट पासवर्ड पर क्लिक कर देना, नीचे आपको मिल जाएगा। आप जैसे ही क्लिक कर दो फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपका अकाउंट भी लॉगिन हो जाएगा।
सो गाइस जहाँ पर आप देख पा रहे हो आपके सामने लाइव प्रूफ मैं अपने अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन करके दिखाया हूँ। आप भी कुछ इस तरह से अपने इंस्टाग्राम के पुराने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं पोस्ट में जाता हूँ, आपके सामने पहले ही मैंने आपको दिखाया कि 2021 का पोस्ट है, अभी क्या चल रहा है 2024 चल रहा है। तो आपके सामने मैं इस अकाउंट को लॉगिन करके दिखाऊँ, कुछ इस तरह से आप भी अपने पुराने इंस्टाग्राम आईडी खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर